केंद्र और राज्य सरकार के जो इस देश की सरकार किसान मजदूरों कर्मचारियों और आम जनता विरोधी जो नीतियां अपना रही जिनके खिलाफ एक साल से ज्यादा दिल्ली के बोर्डरों पे आंदोलन हुआ काले कानून वापस हुए लेकिन जो वायदा किया था वो एक भी पूरा करने की बजाय चाहे वो MSP हो चाहे बिजली कानून को वापस लेने का सवाल हो एक भी कदम देश की सरकार आगे नहीं बढ़ी है। नरेंद्र मोदी केवल मन की बात करते हैं। इस देश का किसान जब उनसे उस वायदों को MSP का पूरा करने के लिए बिजली कानून वापस लेने के लिए 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए उनको पैकेज देने की जो वायदे किए थे एक उनकी बात सुनने की बजाय ईले गाड़ी जा रही है एक्सपायरी डेट की अश्रू गैस छोड़े जा रहे हैं। एक किसान शहीद हो चुका है। दिल्ली तो देश की राजधानी है जो आधी से ज्यादा आबादी किसान है वो दिल्ली नहीं जा सकता। उनको पंजाब के बॉर्डर पे रोक दिया गया है और जिस तरह का अमानवीय व्यवहार देश की सरकार कर रही है किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। MSP आप देख रहे हैं देश की सरकार कह रही है MSP देने से देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। 10 रुपए का लहसुन जो किसान से लिया वो 300 रुपए में बेचते हैं। 5 रुपए का प्याज लेकर 60 रुपए किलो बेचते हैं। इन्हीं मोदी जी के यार जब तो देश विकास कर रहा है और किसान को भाव की बात करते हैं तो कहते हैं देश का विनाश हो जाएगा। जब वोट का वक्त था 2014 में तो यही MSP की बात करते थे। पूरे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ को रोजगार और नौकरी देने की बात करते थे। 80 लाख करोड़ काला धन वो देश से जाके हर देशवासी के खाते में 15 लाख की बात करते थे। MSP स्वामीनाथन लागू करने की बात करते थे। स्वामीनाथन और चरण सिंह को तो भारत रत्न दे सकते हैं लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से इस देश का किसान मजदूर कर्मचारी जिनसे त्रस्त है बड़ी बड़ी कंपनियां और भ्रष्ट नेता मालामाल है जिस भ्रष्टाचार को शिष्टाचार किया था कल सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ध्वस्त करने का काम किया है। ये तमाम अनैतिक कार्य जो देश की सरकार केवल और केवल जनता को
धर्म और जाति के आधार पे बांटकर पूरे देश में आग लगाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ प्रदर्शन है। और आगे जो भी किसान संयुक्त मोर्चा और केंद्रीय श्रम संगठन जो भी आह्वान करेंगे, निश्चित रूप से उसको लागू करेंगे। देश की सरकार को पहले जैसे झुकाकर काले कानून वापस कराए थे, निश्चित रूप से MSP की गारंटी, न्यू पेंशन स्कीम और मजदूरों के मजदूर संहिताएं कानून सवारी समाप्त करके चार मजदूर संहिताएं बनाई है, वो जब तक वापस नहीं लेंगे ये आंदोलन चलेगा। और ये सबसे बड़ी चोट, और इस देश का ये नेता केवल वोट की मानते हैं और आने वाले वक्त में इस देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान जिनके खिलाफ 10 साल में इन्होंने नीतियां बनाई है, वो वोट की चोट भी देंगे और वायदे पूरे नहीं किए तो गद्दी से उतारने का काम भी करेंगे। धन्यवाद।